अरे मेरे पढ़ाको, मेरे बेटा, सबसे पहले आज मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं। मैं समझाऊंगा पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का संबंध और इंटरफेरेंस का मीनिंग। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। तो मेरे बेटा, यदि इन सबको नजदीक से समझना है तो लौट आइए 30 सेकेंड बाद। मैक्सिमा, मिनिमा, इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, वो अधिकतर बच्चों को समझ में नहीं आ सकता यदि ये वाला पॉइंट ना पढ़े। तो याद रखिए, इस वीडियो का यूज आपके अगले कई वीडियोस को समझने में होने वाला है। आज का वीडियो छोटा है लेकिन यूज बहुत ज्यादा है। देखो बेटा, वैसे तो 11th में आपने पढ़ा था कि वेव की इक्वेशन r sin ओमेगा t माइनस kx या ओमेगा t प्लस kx होती है, डिपेंडिंग कि वो जा कहां रही है। लेकिन 12th में वेव ऑप्टिक्स में मैक्सिमम बुक्स ने इसको थोड़ा सा इजी कर दिया है। तो खैर, मैं भी वही बताऊंगा जो अधिकतर बुक्स में दिया हुआ है। मेरे बेटा, y is equal to r sin omega t को यदि हम प्लॉट करें तो एक वेव बना सकते हैं। y कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, r कहलाता है एम्पलीट्यूड और ओमेगा t कहलाता है फेज। तुम बेटा ये अपने दिमाग में बिठा लो कि जो भी साइन से पहले है वो एम्पलीट्यूड है और साइन के बाद जो है वो फेज है। फेज एक एंगल है भाई, आपने पिछले साल भी पढ़ा था। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। तो मेरे बेटा, ओमेगा टी और कुछ नहीं, थीटा है यानी कि एंगल है। अब यदि ओमेगा टी एंगल है तो उसकी वैल्यूज भी एंगल वाली है। तो हम लोग जब वेव्स की इक्वेशन इस चैप्टर में बनाएंगे तो इस फॉर्मेट में लेंगे। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं फेज वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। फेज क्योंकि एंगल है तो 0 डिग्री, पाई बाय 2, पाई, 3π/2, 2π एंड सो ऑन। मैं अब ये प्रूफ करने जा रहा हूं ग्राफिकली कि ये एक वेव को रिप्रेजेंट कर सकता है। फेज का मतलब ओमेगा नहीं है, फेज का मतलब टी नहीं है, फेज का मतलब है बेटा ओमेगा टी, एंगल थीटा। अब ये बताओ, यदि ओमेगा टी की वैल्यू 0 है तो साइन 0 0, वाई की वैल्यू 0। जब ओमेगा टी पाई बाय 2 है तो साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 होता है 1 और 1 इंटू आर हो जाएगा आर, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी आर। जब ओमेगा टी होगा पाई तो साइन पाई होगा 0, जिससे वाई हो जाएगा 0। मेरे बेटा ओमेगा टी होगा 3π/2, तो साइन 3π/2 होता है -1, जिससे वाई की वैल्यू आ जाएगी -r। और जब ओमेगा टी होगा 2π तो साइन 2π होगा 0 और वाई हो जाएगा 0। इस तरह से यदि मैं लगातार प्लॉट करता जाऊं तो ये बनता चला जाएगा। पाई बाय 2 के डिफरेंस पे प्लॉट करता चला जाऊं तो बनता चला जाएगा। हमें अभी सीखना है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बारे में और उनका रिलेशन। ये 2π है, ये 5π/2 है, ये 3π है, ये 7π/2 है एंड सो ऑन। तो मेरे बेटा, मैं पूछूं कि इस पॉइंट का फेज क्या है π/2, इस पॉइंट का फेज क्या है पाई, इस पॉइंट का फेज क्या है 3π/2 और इस पॉइंट का फेज क्या है 2π एंड सो ऑन। मेरे बेटा, यहां से यहां तक का पाथ डिफरेंस कितना है? तो जवाब है लैम्डा। तुमने पहला होगा, दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा होता है, दो क्रेस्ट के बीच का जो पाथ होता है वो लैम्डा होता है। यदि वेव यहां से यहां पहुंच गई तो उसने कितना पाथ कवर किया, लैम्डा। उसके पाथ में कितना डिफरेंस आ गया, लैम्डा। तो याद रखना,
यहां और यहां का पाथ डिफरेंस है लैम्डा, लेकिन यहां और यहां का फेज डिफरेंस क्या है? भाई इधर का फेज था पाई बाय टू, इधर का फेज था फाइव पाई बाय टू, इसका फेज था पाई बाय टू, इसका फेज था फाइव पाई बाय टू, तो फेज डिफरेंस फाइव पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू यानी फोर पाई बाय टू यानी कि टू पाई, तो भैया फेज डिफरेंस है टू पाई। तो मैं यदि आपसे कहूं कि इन दोनों पॉइंट्स का पाथ डिफरेंस क्या है, इसका मतलब है वो कितना पाथ चला लैम्डा, और यदि मैं आपसे कहूं कि यहां और यहां का फेज डिफरेंस क्या है, तो भैया इधर का फेज पाई बाय टू, इधर का फेज फाइव पाई बाय टू, तो यानी फेज डिफरेंस है टू पाई। तो इसका मैं एक रिलेशन निकाल सकता हूं, जब पाथ डिफरेंस है लैम्डा तो फेज डिफरेंस है टू पाई। कल को न्यूमेरिकल आ गया कि फेज डिफरेंस इतना है तो पाथ डिफरेंस बताओ, तो मुझे पता है व्हेन फेज डिफरेंस इज टू पाई, यहां का फेज और यहां के फेज का अंतर टू पाई, तब पाथ डिफरेंस है लैम्डा। तो जब फेज डिफरेंस है टू पाई, जिनका फेज डिफरेंस है टू पाई उनका पाथ डिफरेंस है लैम्डा। अच्छा, यदि फेज डिफरेंस हो वन तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? तो मेरे बेटा पाथ डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा अपॉन टू पाई। और यदि फेज डिफरेंस फाई हो, फेज डिफरेंस ऑफ फाई, तो मेरे बेटा पाथ डिफरेंस क्या होगा? तो जवाब है तब पाथ डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा फाई अपॉन टू पाई। तो भैया ये चैप्टर आगे बढ़ाना है, इसके न्यूमेरिकल और डेरिवेशन समझने हैं, तो भैया ये फॉर्मूला कैसे आया याद रखना, मैं आगे से हर टॉपिक में ये फॉर्मूला लगाऊंगा जहां भी जरूरत पड़ेगी। क्या फॉर्मूला? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा फाई अपॉन टू पाई। कोई पूछे ये फाई क्या है? बेटा ये फाई है फेज डिफरेंस, जहां फाई है फेज डिफरेंस। अच्छा एक चीज बताओ, इस फॉर्मूले का यूज करके और अदरवाइज इसे हटा लो, मुझसे कोई कहे कि भाई इसका और इसका पाथ डिफरेंस बताओ, फॉर्मूले से पाथ डिफरेंस बताओ। मैं पहले ये बताया इस पॉइंट का फेज कितना है पाई बाय टू, इस पॉइंट का फेज कितना है थ्री पाई बाय टू, दोनों पॉइंट का फेज डिफरेंस थ्री पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू यानी कि टू पाई बाय टू मतलब पाई, तो इन दोनों का फेज डिफरेंस है पाई। अब इस फॉर्मूले से पाथ डिफरेंस निकालो, यदि फेज डिफरेंस यानी कि फाई है पाई, तो लैम्डा फाई अपॉन टू पाई बन जाएगा लैम्डा पाई अपॉन टू पाई, जिससे आंसर आएगा लैम्डा बाई टू। फॉर्मूला क्या कह रहा है? कि ये पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई टू। लेकिन चल ये तो फॉर्मूला कह रहा है, एक बात और सुन, फॉर्मूला कह रहा है कि बेटा ये लैम्डा बाई टू है, लॉजिकली तुम्हें मालूम है क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस लैम्डा थी यहां से यहां तक, तो यदि मैं इसका आधा कर दूंगा तो लैम्डा बाई टू तो आना ही था, ये तो मैंने वेरीफाई करवा दिया। मेरे बेटा फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का ये रिलेशन आपके न्यूमेरिकल्स के लिए डेरिवेशन के लिए बहुत 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 जरूरी है, तो इसे बसा लो। अब मैं आपको बताता हूं इंटरफेरेंस का मतलब, मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब। मेरे बेटा यदि कभी एक क्रेस्ट यहां से आए ए वन एम्पलीट्यूड का, एक क्रेस्ट यहां से आए ए टू एम्पलीट्यूड का, और वो एक जगह पहुंच जाए, जब वो मिलेंगे तो एक बहुत लार्ज क्रेस्ट क्रिएट हो जाएगा जिसका एम्पलीट्यूड होगा ए वन प्लस ए टू। इसे कहते हैं, इस क्रेस्ट को, इस क्रेस्ट के बनने को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कोई मेरे से कहे यहां क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है यहां, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है यहां पर। कंस्ट्रक्टिव का मतलब कुछ बड़ा बन गया, हमने कुछ कंस्ट्रक्ट कर दिया, और इसी को मैक्सिमा कहा जाता है क्योंकि इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पैदा हो गया। तो जब मैं आपसे कहूं मैक्सिमा तो समझ लेना दो क्रेस्ट मिल गए हैं। अच्छा क्या दो क्रेस्ट ही नहीं मेरे भारत, क्रेस्ट और ट्रफ, दो ट्रफ मिल जाए तो भी मैक्सिमा बनता है। बेटा एक ट्रफ यहां से आ रहा है ए वन एम्पलीट्यूड का, एक ट्रफ यहां से आ रहा है ए टू एम्पलीट्यूड का, ये दोनों एक जगह पहुंचे और आपस में मिल गए। यदि दो ट्रफ आपस में मिल गए तो एक लार्ज ट्रफ बनेगा जिसका एम्पलीट्यूड होगा ए वन प्लस ए टू। इसे मिनिमा नहीं कहेंगे, इसे भी मैक्सिमा कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मैक्सिमा। इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसे कहेंगे? समझो,
मेरे बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसे कहेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का दूसरा नाम है मिनिमा। मिनिमा मेरे बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब कहते हैं जब क्रेस्ट और ट्रफ मिल जाते हैं। मान लो बेटा एक यहां से क्रेस्ट आ रहा है और एक यहां से ट्रफ आ रहा है, क्रेस्ट इधर आया ट्रफ इधर आया एक ही मीडियम में, और वो दोनों एक जगह पहुंच गए। तो जब एक जगह पहुंचेंगे तो क्या होगा बेटा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बहुत कम रह जाएगा। कितना? a1 माइनस a2 या a2 माइनस a1, व्हाटएवर इज बिगर। यदि a1 बड़ा है तो a1 माइनस a2 बचेगा, यदि a2 बड़ा है तो a2 माइनस a1 बचेगा, और मेरे बालक यदि दोनों बराबर एम्पलीट्यूड है तो कुछ नहीं बचेगा, वेव उस जगह पर डिसअपीयर हो जाएगी। यही है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैं फिलहाल A1 को बड़ा मान करके A1 माइनस A2 दिखा देता हूं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड जुड़ जाते हैं, चाहे क्रेस्ट से क्रेस्ट मिले या ट्रफ से ट्रफ मिले, A1 प्लस A2 एम्पलीट्यूड होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी या तो A1 माइनस A2 रहेगा या A2 माइनस A1 रहेगा, और यदि दोनों बराबर है तो जीरो भी रहेगा, कुल मिला के एम्पलीट्यूड का डिफरेंस होता है। अब मैं आपको जो बताऊंगा वो है मैक्सिमा और मिनिमा से जुड़ी हुई एक और खास बात। मेरे बेटा आपने 11th में भी पढ़ा था और 12th में भी पढ़ा होगा, किसी वेव की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। याद रखना, वेव की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। मेरे पास दो वेव है जिसका एम्पलीट्यूड है A1 और दूसरे का एम्पलीट्यूड है A2। अब मैं पूछता हूं कि इनका इंटेंसिटी रेशियो क्या है, तो जवाब है इंटेंसिटी रेशियो हो गया I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। क्यों हो गया? क्योंकि मेरे बेटा मैंने आपको बताया I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। ये है वेव्स का इंटेंसिटी रेशियो। अब मान लो ये वेव्स मर्ज हो गई, तो तुम्हें मालूम है दो तरह से मर्ज हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि मैक्सिमा में और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी मिनिमा में। अब यदि बेटा इनका इसके क्रेस्ट से इसका क्रेस्ट मिल गया तो लार्ज क्रेस्ट बनेगा जिसका एम्पलीट्यूड होगा A1 प्लस A2 जिसे आप मैक्सिमा कहोगे, और जब क्रेस्ट से इसके क्रेस्ट से इसका ट्रफ मिलेगा तो स्मॉल एम्पलीट्यूड बनेगा जिसको एम्पलीट्यूड को A1 माइनस A2 कहोगे, ये कहलाएगा मैक्सिमा और ये कहलाएगा मिनिमम। अब मैं कहता हूं मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताओ, तो मेरे बेटा मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताना है तो कंडीशन तो यही लगेगी कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी तो A1 प्लस A2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और मिनिमम इंटेंसिटी A1 माइनस A2 के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि I मैक्सिमा और I मिनिमा का फॉर्मूला ये हो गया। अब मैं एक एग्जांपल करा करके इस वीडियो को दी एंड करूंगा। I1 अपॉन I2 आ चुका है, I मैक्सिमा अपॉन I मिनिमा आ चुका है। तो मेरे बेटा क्या सीखा आपने? आपने सीखा यदि वेव्स A1 और A2 एम्पलीट्यूड की हो तो उनका इंटेंसिटी रेशियो रहता है A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। और क्या सीखा आपने? यदि वेव्स इंटरफेरेंस कर जाए, इंटरफेरेंस का मतलब मिक्स हो जाए, ऐड हो जाए, क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल जाए, क्रेस्ट से ट्रफ मिल जाए, ट्रफ से ट्रफ मिल जाए, मर्ज हो जाए, तो ये कहलाता है इंटरफेरेंस। तो यदि वेव्स इंटरफेरेंस हो जाए तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो आएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इस पे न्यूमेरिकल कैसे आता है? सिंपल न्यूमेरिकल यदि आया तो कैसे आएगा और आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे? एग्जांपल, तुमसे कहा कि दो वेव हैं जिनका इंटेंसिटी रेशियो 9:1 है। तुमसे कह रहे हैं फाइंड करो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो यदि वो सुपरइंपोज हो जाए, यानी वो दोनों मर्ज हो जाए। इंटरफेरेंस होने से पहले का इंटेंसिटी रेशियो दे दिया, मैक्सिमा और मिनिमा जब बनेंगे क्रेस्ट से क्रेस्ट, क्रेस्ट से ट्रफ मिलने पर, उनका इंटेंसिटी रेशियो पूछ रहे।
तो मेरे बेटा फॉर्मूले तो अभी आपके सामने है, मैंने किसी को मिटाया नहीं है। एक बात बताओ, उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने दिया था कि बेटा आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू 9, लेकिन आई वन अपॉन आई टू है पहले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर 9, तो ए वन अपॉन ए टू कितना हो गया बेटा 3, तो ए वन कितना हो जाएगा 3a2। पुट इन, किस में पुट करोगे? आई मैक्सिमा अपॉन आई मिनिमा में पुट करोगे। मुझे बता आई मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या है बेटा? ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है? ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर। अब मैं एक शॉर्टकट मार रहा हूं, ए वन प्लस ए टू, लेकिन ए वन तो है 3a2, तो ए वन प्लस ए टू यानी कि 3a2 प्लस ए टू का होल स्क्वायर, नीचे ए वन माइनस ए टू यानी कि बेटा 3a2 माइनस ए टू का होल स्क्वायर, तो ऊपर कितना हो गया बेटा 4a2 का स्क्वायर यानी कि बेटा 16a2 स्क्वायर, नीचे हुआ 2a2 का होल स्क्वायर यानी 4a2 स्क्वायर, a2 स्क्वायर तो कट गया, आंसर आ गया 4:1। एक बार देख बेटा, i1 अपॉन i2 9, a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर 9, a1 अपॉन a2 3, a1 इज इक्वल टू 3a2, इसमें रख दिया 3a2 प्लस a2 4a2 जिसका स्क्वायर 16a2 स्क्वायर, नीचे रखा तो 3a2 माइनस a2 2a2 उसका स्क्वायर 4a2 स्क्वायर। अब बेटा डिवाइड करके क्या बचा 4:1, तो भैया इसका रेशियो होगा 4:1। अच्छा एक और एग्जांपल, उसे आप खुद कर लेना, मैं समझा दे रहा हूं। उल्टा कई बार दे देते हैं, वो मुझसे कह देते हैं कि आई मैक्सिमा अपॉन आई मिनिमा यदि बेटा 9/1 है, कुछ भी दे सकते हैं यार, मुझे तो कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लेके बताना है, और मुझसे पूछ रहे हैं कि इंटरफेरेंस के बाद का इंटेंसिटी रेशियो दे रखा है, इंडिविजुअल वेव्स का इंटेंसिटी रेशियो पूछ रहे हैं, तो भैया सॉल्यूशन उसी तरह से होगा। एक बात बताओ, उन्होंने दिया कि आई मैक्सिमा अपॉन आई मिनिमा है 9, यानी कि बेटा ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर अपॉन ए वन माइनस ए टू का स्क्वायर है 9, अंडर रूट लो तो मेरे बेटा ए वन प्लस ए टू अपॉन ए वन माइनस ए टू इज इक्वल टू 3 रह गया। अब दो तरीके हैं, जो बच्चे मैथ्स के हैं वो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं, और जो भैया बायो वाले बालक है, हिंदुस्तानी तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए वन प्लस ए टू 1 से मल्टीप्लाई हुआ और ये 3a1 माइनस 3a2। अब a1 एक तरफ ले जाओ, a2 एक तरफ, यानी कि बेटा 4a2 इज इक्वल टू 2a1, 3a2 इसमें जुड़ गया और a1 इसमें से माइनस हो गया, तो इससे आया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 4/2 यानी कि 2/1। क्या है बेटा? a1 अपॉन a2 2/1। अब आखिरी स्टेप i1 अपॉन i2 क्या था? i1 अपॉन i2 था बेटा a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर यानी कि 4/1, तो आंसर इसका भी 4:1 आया। तो भैया देख, इंटेंसिटी और इन सब के बारे में मैंने जिक्र कर दिया है, अगला वीडियो सबसे जबरदस्त और सबसे इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बोर्ड एग्जाम में, उस पे भरे पड़े हैं न्यूमेरिकल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो मेरे बेटा अब कहने का समय आ गया है, बाय बाय मेरे पढ़ाकू, पढ़ाकू किस लिए, एंड तक देखा इसलिए।